TVS News, सच का साथी। दूसरा दिन में भी उमड़ा जनसैलाब। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपीएस न्यूज़। मैं हूँ अरमान मलिक। इस वक्त हमारे साथ बहुत सारी महिलाएं, आंगनबाड़ी की जो कार्यकर्ता है। आपका नाम? मेरा नाम नीतू सिंह, मैं प्रदेश मंत्री महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी। हाँ, तो अभी जैसा कि आपने सुना, इन्होंने अपने बारे में बहुत सारी बातें बताई, अभी और भी बहुत सारी बातें बताएंगी। सबसे पहले बात तो ये बताएंगी, जो लिखा हुआ था पोस्टर पे, जो आपके लिखा हुआ था कि योगी सरकार वादा निभाओ रैली का आयोजन, आपने ऐसा ही नाम क्यों चुना कि योगी सरकार वादा निभाओ रैली का ही आयोजन की, और भी कुछ लिख सकते थे, ये लिखने का आपका असल मकसद क्या था? सरकार सत्ता में आने के पहले 120 दिन का वादा किया था। हमारी सरकार मतलब बीजेपी सरकार सत्ता में आने के पहले 120 दिन का वादा किया था कि 120 दिन में अगर मेरी सरकार सत्ता में आ रही है तो मैं 10,000 मानदेय दूंगा। उसके बाद 120 दिन का जो साल हुआ है, आज तक सरकार के कान में चूत नहीं दी। उसके बाद हमारी बहनों को जेल में डाल रही है और लाठी चार्ज कर रही है। अभी 2017 में मेरे ऊपर लाठी लगा था, उसमें क्या हुआ था? मैं जमानत पे हूँ और रास्ता लटका यही है योगी सरकार की, महिलाओं पे अत्याचार, अपना हक मांगने पे। क्या तो अभी फिलहाल आप कौन कौन सी मांग पूरी कर रहे हो, कौन कौन सारी समस्या है आंगनबाड़ी की? सारी समस्या छोटी होती तो कोई बात होती, लेकिन ये जो आपका जनसैलाब उखड़ा हुआ दिखाई दे रहा है हजारों की संख्या में, ये कोई छोटी बात नहीं है। पूरी बात बताएं, आप किन किन मांगों को लेकर उपस्थित हैं, क्या परेशानी है, क्या दिक्कत? हमारा समझौता हुआ था सरकार से, वो हमारा पूरा है। और हमारा 2017 में हमारा पूरा प्रदर्शन हुआ था, हमारी बहनों का लगभग 90,000 बहनों का, 90,000 बहनों का जुटने का मानदेय था। हमारा मानदेय बहाल करें और जो हमारा हाट प्रधानों के खाते में कर दिया है ज्वाइंट अकाउंट, वो एकल अकाउंट दिया जाए। और हम लोगों को जो BLO है, पल्स पोलियो है, इन यूनिट से बरी किया जाए ताकि हम अपना काम ईमानदारी से कर सकें। आप अगर जैसे कि आप यहाँ पे उपस्थित हैं, आप धरना दे रही हैं, मांग कर रही हैं, विज्ञापन भी दिया होगा, अगला कदम क्या होगा? क्या कुछ समय दिया है आप लोगों ने योगी सरकार को कि हमें लिमिट ये समय है, इतने समय तक आप हमारी मांग को पूरी करिए, वरना हमारा अगला कदम ये होगा? अगला कदम क्या, अगर नहीं हुआ तो 2019 में हम लोग भी दिखा देंगे कि हमारी संख्या कम नहीं, हमारी 28,00,000 संख्या है। लगभग 2019 में दिखा देंगे, मतलब पूरी बात होगी। 2019 में चुनाव आने वाला है, अगर हमारी संख्या 28,00,000 है तो हमारा जितना वोट हुआ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने तो पहले ही कह दिया था कि 2050 तक हम राज करेंगे। 2050 तक कुछ नहीं कर पाएंगे। हमारी बहने जो हमारी बहने हैं, वो बच्चाली मर रही हैं, उनको रिटायरमेंट मिलना है, उनकी सेवा समाप्त हो रही है, क्या करेंगे? अगर चुनाव का विरोध करेंगे हम सब। क्या नाम है आपका? तो क्या मानते हैं मतलब एक तरफ आपका कहना ये है कि जितनी भी योजनाएं आती है, चाहे जो भी काम हो, उसमें सबसे पहले आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सूचित किया जाता है, उनसे काम कराया जाता है, लेकिन तनख्वाह उतनी नहीं मिलती है जितनी आप लोगों को मिलनी चाहिए वर्क के हिसाब से। आगे आ जाइए। योगी जी ने आज कैसा नहीं बनाया, तो कोई भी आंगनबाड़ी आशा और
महिला समुदाय में काम करते बताएंगी महिलाओं को और पूरे यूपी में पूरे देश में आंगनबाड़ियां खरीदी है, पूरे देश से बीजेपी को बताएंगे। जैसे कि मुझे लगता है कि आप दावा कर रहे हैं कि 2019 में होने वाले चुनाव में आप उनको सत्ता में आने नहीं देंगे, अभी मैंने बताया कि प्रदेश जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने उन्होंने तो 50 साल का वादा किया था कि 50 साल तक हम राज करेंगे, क्या आप लोग इस सरकार से खुश हैं? नहीं नहीं बिल्कुल खुश नहीं है। यहाँ कैसे आए? ये वजह है कि हम लोग इतना काम 6 घंटे 7 घंटे काम कर रहे हैं आंगनबाड़ी का, मान लीजिए कितना मिलता है 4000 रुपए में क्या बच्चों को दाल रोटी खिला पाएंगे, क्या बच्चों को हम कपड़े पहना पाएंगे, क्या बच्चों को पढ़ा पाएंगे? सरकारी स्कूल में भी आंगनबाड़ी का बच्चा नहीं पढ़ सकता 4000 में। आजकल क्या होता है, योगी मोदी बता दे अपनी गृहस्थी चला के कि क्या 4000 रुपए में योगी मोदी अपनी पत्नी होती तो उसको साड़ी पहना लेते, क्या बच्चों को कपड़ा पहना लेते? 1 महीने के हगीज भी नहीं आएंगे 4000 रुपए में। हम आंगनबाड़ी कैसे घर चलाते हैं हमसे पूछो, क्या बच्चों को हम लोग दूध पिला पाते हैं, क्या करते हैं हम लोग 4000 में? वो साले काम करवाते हैं अधिकारी, पूरे अधिकारी 6-6 घंटे काम करवाते हैं, 8 बजे से 2 बजे तक मेहनत करते हैं, मिलता क्या है 4000 रुपए? 4000 रुपए में हम क्या घर चला रहे हैं, 2 साड़ी नहीं पहन पाते हैं, बच्चों को क्या दूध पिलाएंगे, क्या करेंगे? हम लोगों से कुपोषण दूर करवाते हैं, हम लोगों से कुपोषण दूर करवाते हैं, हमारे बच्चे कुपोषण है, हम खुद कुपोषण से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं, हमें खाने को नहीं मिल रहा है, हम क्या कुपोषण मुक्त करवाएंगे?